हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास सेवेंथ। आज हम सब डिस्कस करेंगे चैप्टर थ्री पर, ठीक है, जो है हमारा रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर होता क्या है, ये डिफिनीशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो डिफिनीशन है, ऐसे ए रेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपान क्यू, ठीक है। इरेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपान क्यू, ओके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। ये है हमारा डिफिनेशन। कहने का मीन्स रेशनल नंबर वह संख्या होता है जिसको हम p अपान q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन p और q जो है वो हमारा इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है, ठीक है। और जो q की वैल्यू होती है वो कभी जीरो नहीं होती। कहने का मीन्स न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हो जाता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू रेशनल नंबर। तो जो डिनोमिनेटर होता है ये हमारा जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। ऊपर जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, जैसे फर्स्ट मैं लेके चलता हूँ, इवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, इवरी फ्रैक्शन, ठीक है, और इवरी डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल, ये दोनों चीज जो होते हैं क्या होते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आप इसे इतना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए, ये है हमारा एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन ए रेशनल नंबर, चेक इफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, गिव रीजंस फॉर दोज व्हिच आर नॉट रेशनल नंबर। कह रहा है डिफाइन ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को डिफाइन कीजिए, ठीक है, इसमें से रेशनल नंबर को डिफाइन कीजिए। और हमें यह चेक करना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है, ठीक है, और कौन सा नहीं है, और जो नहीं है उसका हमें रीजन देना है। तो देखिए ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन का ए पार्ट है 1/11। देखिए ए क्या है, पी अपान क्यू है ना, लेकिन जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। लिख देंगे 1/11 इज रेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर है। इसमें से और कई पार्ट हैं, जैसे कि एक बी हो गया, बी 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर दिया 1, 2, 3, मैंने बोला अभी ना, इवरी फ्रैक्शन डेसिमल इवरी इंटीजर, ठीक है, आर डेसिमल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स,
तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो, जीरो भी एक इंटीजर है, तो जीरो अपान वन कर सकते हैं या एक रेशनल नंबर हो गया। बस शर्त यही है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, ई एक पार्ट है, ई ई दिया है 5/0, तो आपको ऐसे कंपेयर करना है पी अपान क्यू। देखिए क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है जीरो, तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर है, लिख देना 5/0 इज नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां भी होगा, देखिए 14 में से जब 14 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा जीरो, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। बाकी आप सब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर, लिखा आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर फ्रॉम द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। इसमें आइडेंटिफाई करना, पहचानना है कि कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है। मैं बताया था ना, यदि दिया है फ्रैक्शन, दिया है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का होता है न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, ठीक है। ये होता फ्रैक्शन, इसी को हम और भी कह सकते हैं क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। तो जो यदि कोई रेशनल यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में दिया है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जैसे दिया है एक्स अपान वाई दिया मान लेते हैं, तो एक्स जो होता है हमारा न्यूमरेटर होता है, ठीक है, और वाई जो होता है डिनोमिनेटर होता है। सेम टाइप पूछा इसमें, 16/11 में 16 न्यूमरेटर है और 11 डिनोमिनेटर है, बाकी इसी तरीके से सबको लिखना है। देखिए 8 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 8/1, तो न्यूमरेटर 8 हो गया डिनोमिनेटर 1 हो गया, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, फ्रॉम ए रेशनल नंबर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मेंशनड मेंटेन्ड इन ईच केस। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई किया गया था, उसी प्रकार यहां पर न्यूमरेटर दिया डिनोमिनेटर दिया है, इसको हमें चेंज करना है रेशनल नंबर में, ठीक है। यहां पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट की बात करते हैं, 16-11 हो गया, तो यहां पर लिख लेना ऐसे न्यूमरेटर, आप लोग पूरा लिखिएगा न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो रिस्पेक्टिव दिया है ना क्रम से, ये 16 हो गया अपान -11, ये हो गया हमारा नंबर। यहां पर जो दिया -4 -7, तो -4/-7 हो जाएगा, 0/-8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। इन सबको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, कैसे करेंगे हम, देखिए मैं बताया था यदि कोई इंटीजर दिया गया है तो उसको आप अपान वन कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पर ए है -8 अपान, इसको -8 इक्वल टू कर देना, तो -8/1 कर देना, देखिए ए हमारा हो गया रेशनल नंबर। उसी तरीके से -26/1, ये हो गया 0/1, ये हो गया 9/1, ये हो गया -5/1, ठीक है। आप लोग कीजिएगा कॉपी में, फेयर कॉपी में सब लगाइएगा। उसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स टू इंटीजर्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स टू इंटीजर्स। कह रहा है जो रेशनल नंबर दिया गया है उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना। मैंने यही कहा ना, इंटीजर्स को रेशनल नंबर में किया और रेशनल नंबर को इंटीजर में करना है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, पहले को ही हम देख लेते हैं, ठीक है। ए दिया है -6/1, ठीक है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए जो 1 दिया है इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं डिवाइड, ए हो जाएगा -6, क्लियर, ए हो गया इंटीजर्स। दूसरा देखिए ए है 32/2 है, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो ये हमारा ये है इंटीजर्स, ठीक है।
उसी तरीके से ए हो जाएगा 0, इसी तरीके से -4, इसी तरीके से 3, ओनली 3। सॉल्व कीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स, टेबुलेट योर रिजल्ट। इस क्वेश्चन में आपको यही चूज करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं -18/-7, ठीक है। एक कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा। तो देखिए माइनस है, माइनस है, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 18/7। ये क्या है आप लिखिएगा, इतना लिखने के बाद फर्स्ट लाइन में तो काटिएगा मत, ठीक है, जितना दिया गया उतना लिख लीजिएगा और जो है यहाँ पर उससे माइनस से कट कीजिए, ये हो गया 18/7। और आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 18/7 इट्स पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। इतना लिखने के बाद यदि पॉजिटिव आता है दोनों तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, और यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव है, यहाँ ये वन माइनस है, तो आप कट कीजिए या रहने दीजिए, कोई आप कट कर दीजिएगा जितना आएगा, ठीक है। ये माइनस यानी निगेटिव रेशनल नंबर, ये भी निगेटिव रेशनल नंबर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। इतना ही हमें करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर मैं आपको पहले पार्ट को बता रहा हूं, कहा राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो ईच मतलब प्रत्येक का चार चार रेशनल नंबर हमें लिखना है, जो कट का स्टैंडर्ड करने पर इसी के इक्वल आए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पार्ट दिया गया है -11/6, ठीक है। इसी के इक्विवेलेंट हमें 4 रेशनल नंबर क्रिएट करना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम इक्विवेलेंट 4 रेशनल नंबर्स, ठीक है। इक्विवेलेंट का मीन जो होता है, तो ये आप यहाँ पर -11/6 1 से मत कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर -11/6 में 3 से कीजिएगा, फिर यहाँ पर -11/6 में 4 से कीजिएगा, और -11/6 में 5 से कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी सॉल्व करने हैं। देखिए माइनस है तो माइनस आएगा, 11 2 जा 22 अपान 6 2 जा 12, माइनस है तो माइनस, 11 3 जा 33 अपान 6 3 जा 18, माइनस 11 4 जा 44 अपान 6 4 जा 24, 11 5 जा 55 आगे माइनस है, और 6 5 जा 30। ये है हमारे 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आपको सिंपली ऐसे लिखना है यहाँ पर आंसर टाइप के, ये हो गया -22/12, -33/18, -44/24, -55/30। ये है 4, ये है हमारा आंसर। सभी पार्ट इसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां से आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आज इस वीडियो में बस मैं केवल 7 क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। अब अगली वीडियो में जो आएगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 8 से रहेगा 14 तक, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को एंड करते समय मैं आपको ये सूचना दे दूं कि आपका एडमिशन ओपन हुआ है, आप सभी लोग अपने कॉलेज में जाके एडमिशन करवा लीजिए।
ठीक है, और जिसके पास बुक ना हो वो बुक को परचेज कर लें, क्योंकि बिना बुक के कोई भी स्टडी नहीं कर सकते हैं हम। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।